ट्रैक्टर दिखा दिए, पीछे भी दिखा दिए दोस्तों। HMT महाराज चलें, चलो आराम से चलियो दोस्तों। इसलिए इन्हें दुड़ा रहे हम इसे, जो ऐसा पहली पहली बन रहा है इसे पकड़ने का जुगाड़ नहीं, थोड़ा डर सा लगा है। मुझे इस पर बैठ तो ये देखो, अभी मैंने पकड़ सी रखा ना तो मेरी मैं मुझे ऐसा बनना आपको इतनी बड़ी क्यों करनी थी। एक बार तो था ना वो पीछे नहीं आते, पीछे मत ना देखो आप, मैं देखो साइड में को तारी हो आराम से बिल्कुल चुपटी की चाल है, चुपटी की चाल नहीं, तू पकड़ के बैठा रहा है, गिरने का ना वो तो बहुत आराम से उतरा है वो धीरे धीरे। एक तो पहली बात तो टिकाऊ है ना पापा, तो यो पकड़ करता है नहीं, यो बात है दोस्तों टिकाऊ खाना है जमीन में पकड़ करता है, जो उसी भाड़ में आया जिस भाड़ में सबसे पहला आया था बुक्की पे दोस्तों। याद आया यो किसी को भाड़ कौन पहले जी जो आया आया था ना पहली बार इसी खेत में आया था इसमें मैं कल को पानी मार के दौड़ मार के पानी चलाऊंगा तो आठ आठ बोझ काट के एक दो तीन ये भी हल्के ले जा दो तीन दो बोझ और कटेंगे पापा पापा एक चल आपको नीचे से सीन ले लो कर रहा हूँ कैसा लग रहा है पापा ये अंडा पड़ा अंडा ये छोटा सा खराब है। चलो कोई नहीं दोस्तों, तो पापा ट्रैक्टर बढ़िया बिल्कुल, किसी को लेना हो तो लेना भी है बाकी चला तो रहे हैं दोस्तों। कैमरे में यू ऐसा लग रहा बड़ा सा, वरना ट्रैक्टर बिल्कुल फिट है एकदम नए जैसा लग रहा, बिल्कुल नया बिल्कुल ऐसा लग रहा खड़ा भैया नए टायर है ना, ऐसा लग रहा 2014-15 मॉडल लोग ऐसा, और ये पुराना पुराना मॉडल है। अब पापा जी ये कूड़ी ये क्या कहते हैं ना, ओके दोस्तों अब देखिएगा पापा जी इसको लाते हैं। पापा किधर आऊं खड़ा पीछे कोई कटवा लेते हैं जुआर, ये हमारा ही खेत है इस तरफ, ये जो खेत है छोटा सा ये इस बार हमने ना चौकी से जुआर बोली दोस्तों। पापा से पूछती हूँ हमारी जुआर है क्या, ये शायद हमारी जुआर पापा को आ गई मैसेज चलाने की याद। अब जब इसको कई दिन लोग पापा जी कई दिन लोग चलाओगे मैसेज इसकी इसकी आदत पड़ जाओगी पापा को। अरे क्यों ज्यादा दिन तक चले है नहीं जुआर बोकरी उससे
ऐसा जो अपना न्यार पूछ समझ जा। पापा पल्ली को धोगे जाके? उसे ट्वेल पे धोंगे। हाँ अभी हम ट्वेल का भी राउंड मारने जाएंगे। बैग सा करके अपना खेत में कर लेंगे बैग। तो पापा बैग किधर से करोगे? पीछे कुकर करेंगे। पीछे कुकर के ऐसे कैसे? पीछे करके इस साइड में, पीछे करके इस साइड में, फिर घुमा के इधर को हो जाएगा ट्रैक्टर, है ना? क्योंकि हम ऐसे कैसे तो वहां पे चढ़ाएंगे नहीं। अभी तो थोड़ी देर रुकेंगे जितना बोझ कटे। काफी देर रुकेंगे हम। अभी तो जी देखो मेरी बात सुनो, हमने ट्रैक्टर एक तो हमने इसलिए जोड़ा है, ऐसा ट्रैक्टर कई दिन से खड़ा था और हम कि भाई ये चल जाएगा, और दूसरा फायदा हमारा मैसे सर्विस मांग रहा है, सर्विस हो जाऊगा और ये चल जाऊगा क्योंकि वो ट्रैक्टर बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों कुछ मिनट बाद मैं आपके से सील लूंगा। पापा खड़ा करोगे? इसको पापा देखते हैं कैसे मोड़े। समझ गया मैं, पीछे गुला के इसको बुग्गी को ऐसा करके नुक्की नुक्की साइड में कर देंगे, फिर इधर से आ जाएगा ऐसा। दोस्तों कहते हैं उधर तो सीधी चक्रोड़ थी, पीछे से आया यहाँ रुका फिर आगे को चला गया, ऐसा था उधर तो। ठीक है जी, चलती बार दिखाऊंगा। इंडो फार्म जाते हुए क्या शानदार आवाज देखिएगा दोस्तों। ये हैं मेरे पापा जी। पापा जी ने यहाँ डोल बनाया। पापा डोल किस लिए बना रहे हो? बेटा ऐसा हुआ, बारिश तो आई नहीं हमारे यहाँ ज्यादा, तो ये जो जुआर है हमारी अब खराब हो रही है बरसात के बाद में। सूख क्या हो गया? बिल्कुल सूख के। तो इधर तो इसमें गोबर की खाद डाल देंगे, इसे तो तैयार कर इसे लेंगे सामने तक। हाँ देखो कितनी सूखी हुई जुआर निकल रही, और भाई इसमें कल पानी चला देंगे। ये देखो मैंने डोल बना दी मेरी, और आगे की बना दूंगा साथ के साथ ही। ये देखो हवा, ये एक तो ये सूख गई और हवा आई, देखियो थोड़ी हवा थोड़ी चली, थोड़ी सी हवा चली, अरे उल्टा सूख रही थी, तो इसकी जड़ कमजोर होगी बिन पानी नहीं मिला ना, और फिर गिर गई। और पापा इधर इधर वाली कैसे खड़ी है? वो खड़ी है बस, अभी बंद कर ले तो ठीक है जी।